हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, झारखंड के विभिन्न जिलों से निकाले गए विभिन्न वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। कुल 7 वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये विभिन्न विभिन्न जिलों से निकल कर आई हुई है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इसी तरह का आपका पास लेटेस्ट जानकारी आपको लगातार प्राप्त होता रहे। अब हम लोग वैकेंसी का सारा डिटेल देखते हैं। ये जो वैकेंसी है आपका, देख सकते हैं, रांची समाज न्यायालय, रांची समाज कल्याण शाखा, जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ से आपका वैकेंसी निकल कर आई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सोशल वर्कर का यहाँ पर फीमेल का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, एक ही पद है। एज आपका 30 से 45 साल होना चाहिए। वेतन आपको 18,536 रुपया दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात किया तो ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, देख सकते हैं, बीए इन सोशल वर्क और सोशोलॉजी और सोशल साइंस आपको होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए, कंप्यूटर की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, काउंसलर का है, एक पद है, 30 से 45 साल एज होना चाहिए, 18,536 रुपये आपको दिया जाएगा। ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी या फिर साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ काउंसलिंग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ सकते हैं, पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में होना होगा भी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या फिर एनजीओ सेक्टर में। यहाँ पर देख सकते हैं, वोमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्टर में आपको यहाँ पर एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, डाटा एनालिस्ट का है, एक पद है, आपका 30 से 45 साल एज होना चाहिए आपका, और आपका वेतन 18,536 रुपया दिया जाएगा। ग्रेजुएट होना चाहिए स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, कंप्यूटर बीसीए में होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 3 है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ। एक साल का आपका यहाँ पर किया जाएगा फर्स्ट टाइम आपका, और नेक्स्ट यहाँ पर एक्सटेंशन भी किया जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदकों द्वारा आवेदित पद में शैक्षणिक योग्यता, अतिरिक्त योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के उपरांत चयन समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उम्र सीमा आपका 1/8/2022 के अनुसार किया जाएगा। आवेदन का जो प्रक्रिया है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि 25/7/2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आवेदन को रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है, एक्सपीरियंस है, जाति प्रमाण पत्र है, स्थानीय प्रमाण पत्र है, जो भी क्वालिफिकेशन है प्रमाण पत्र, उसको आपको सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सत्यापित यहाँ लिख दिया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आवेदन पता भेजने का है कि कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई रांची समाज न्यायालय भवन ब्लॉक बी कमरा नंबर 111 पिन कोड 83400 एक यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सारा डिटेल आप देख सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। इसी को आपको फिलअप करके रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है दिए गए पते पर। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं दोस्तों। यह जो वैकेंसी आपका लातेहार जिला से निकल कर आई हुई है, देख सकते हैं आपका, यह आपका तीरंदाजी प्रशिक्षक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन कर दिया गया है। 2 तीरंदाजी प्रशिक्षक यहाँ पर आवश्यकता है, जो कि अनुभवी है, योग्य कोच और इंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर बहाली होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, आपका लातेहार ब्लॉक के लिए एक है और महुआ डार ब्लॉक के लिए एक है। टोटल पदों की संख्या 2 है। अनरिजर्व के लिए एक पद है आपका, और एक आप महुआ डार के लिए एसटीएससी के लिए यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, रिजर्व है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, संविदा की राशि आपका 28,000 रुपया दिया जाएगा, जो कि आपका प्रतिमाह होगा। अनुबंध 1 वर्ष के लिए होगा, आवश्यकता अनुसार 1 साल के लिए यहाँ पर आपका अटेंडेंस और परफॉर्मेंस के आधार पर आपका एक्सटेंशन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि योग्यता की बात किया तो यहाँ पर ग्रेजुएट बोला गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए या फिर विभिन्न खेल संघों द्वारा जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लेवल C2A यहाँ पर APED या फिर BPED या BPE आपका होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन नेक्स्ट भी दिया है कि आपका इंटरमीडिएट या फिर खेल योग्यता, राष्ट्रीय खिलाड़ी पदक विजेता, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 1/4/2023 को कम से कम 20 से 50 साल होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्य दिवस की बात किया तो न्यूनतम आपको 3 घंटे होगी, सप्ताह में कम से कम 1 दिन आपका रविवार का अवकाश होगा, और कम से कम 3 वर्षों का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, उसी राज्य का आपको निवासी होना यहाँ पर अनिवार्य है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं आपको देना पड़ेगा, 1 साल के यहाँ पर आपको विस्तारित किया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, वार्षिक वृद्धि भी 6% किया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर चयन का प्रक्रिया है आपका कि शैक्षणिक तकनीकी योग्यता और एक्सपीरियंस के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं,
इच्छुक जो भी कैंडिडेट है, सभी प्रमाण पत्र आपका जिला खेल पदाधिकारी लातेहार, यहाँ पर देख सकते हैं जिला खेल स्टेडियम लातेहार के नज़दीक आपको पिन कोड 82906 के नाम से 14/7/2023 अपराह्न 5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट यानी बंदीर पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। दोस्तों यह जो वैकेंसी है आपका रांची समन्वयालय रांची की तरफ से निकल कर आई हुई है, जिला बाल संरक्षण निकाय की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हैं भंडारपाल सरलेखापाल के लिए एक पद पर है, वेतन आपको 15,123 रुपया दिया जाएगा। यहाँ पर स्नातक वाणिज्य से किए हुए तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता आपको कंप्यूटर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आवश्यक यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल का आपका एक्सटेंशन किया जाएगा, पहले आपको 1 साल के लिए ही आपका अनुमान्य होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि उम्र की गणना आपका 1/8/2022 के अनुसार की जाएगी। नेक्स्ट उम्र सीमा की बात करें न्यूनतम 21 साल और मैक्सिमम यहाँ पर देख सकते हैं अनारक्षित के लिए 35 साल और दिव्यांगजनों के लिए 40 साल, महिला अनारक्षित के लिए 21 साल सभी के लिए है। और अधिकतम उम्र की बात करें तो आपका महिला अनारक्षित के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 37 साल और 38 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 साल यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। आवेदन आप 25/7/2023 तक आप यहाँ पर भेज सकते हैं इस रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा या कार्य अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र का आपको सत्यापित छायाप्रति के साथ आपको संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिल्डिंग यहाँ कार्यालय जिला बाल संरक्षण निकाय रांची समन्वयालय ब्लॉक बी कमरा नंबर 111 पिन कोड 83601 में आपको यहाँ पर आवेदन भेज देना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सारा डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं ये आपका आवेदन का प्रारूप है, इसी में आपको भर के आपको दिए गए पते पर समय अनुसार भेज देना है। अब हम लोग नेक्स्ट, दोस्तों ये जो वैकेंसी है आपका प्राइवेट स्कूल की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जो कि आपका किराली पब्लिक स्कूल आपका न्योरी विकास में स्थित है। यहाँ से आपको रिक्वायरमेंट है ट्रेन टीचर के, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जूनियर सेक्शन में, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल मेजर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट इंटरव्यू और देख सकते हैं क्लास ऑन 10 जुलाई 2023, यहाँ पर देख सकते हैं बिटवीन 9 AM to 10 PM यहाँ पर किया जाएगा इंटरव्यू। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं रिज्यूम एंड फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर करना होगा। किराली पब्लिक स्कूल न्यूरी विकास रांची नियर रिंग रोड फ्लाईओवर, फोन नंबर भी दिया गया है। अब दोस्तों यह जो वैकेंसी आपका भर्ती कैंप के माध्यम से यहाँ पर बहाली होने वाली है, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि गुमला में यहाँ पर आयोजित की जा रही है। यहाँ पर 8/7/2023 शनिवार को पूर्वाहन आप देख सकते हैं 10 से 4 बजे तक आपको एक दिवसीय यहाँ पर भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जो कंपनी यहाँ पर आने वाली है सुजुकी मोटर ग्रुप लिमिटेड हिसलपुर आपको अहमदाबाद गुजरात के कंपनी है, वो आने वाली है स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर 2000 पद यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। 10th पास अगर 45% है, आप फिजिकल फिट हैं और 9 टेक्निकल यहाँ पर, दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं बोला गया है, 18 से 21 साल आपका एज होना चाहिए। 11,000 रुपया आपको दिया जाएगा, 8 आवर आपका काम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हंसलपुर अहमदाबाद गुजरात, यहाँ लोकेशन बोला गया है। अदर बेनिफिट की बात किया जाए तो आपको ब्रेकफास्ट लंच एकोमोडेशन विथ सब्सिडी यहाँ पर प्राइस में किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं फ्री आपको मेडिकल इंश्योरेंस आपको 50,000 रुपया का किया जाएगा, 12 लाख रुपया आपका एक्सीडेंट पॉलिसी यहाँ पर दिया जाएगा। और 2 साल का अगर आप सक्सेस कर लेते हैं ट्रेनिंग के लिए, आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा तो आपको 7 माह के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर 20,000 रुपया प्रति माह के अनुसार भी आपको नौकरी दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, यदि आप नियोजनालय में निबंधित है तो ठीक है, और नहीं तो नियोजनालय में निबंधित करवा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं मूल प्रमाण पत्रों के साथ उसके छायाप्रति के साथ आपको बायोडाटा और 2 फोटो आप बायोडाटा का 2 पासपोर्ट साइज का फोटो के साथ आपको इंटरव्यू में उपस्थित होना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। तो ये जो वैकेंसी आप सन जेवियर स्कूल की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जो कि आपके ध्रुवा में स्थित है रांची में। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं पीसीबी और पीसीएम के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात किया तो एमएससी बीएससी बीएड की हुए तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एमबीए और बीएड अगर आप अप्लाई किए सकते हैं तो इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए एमसीए बीएससी आईटी किए हुए तो कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीपीएड। और आपका नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं पीटीआई फीमेल के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वाल का इंटरव्यू जो है आपका देख सकते हैं विथ हैंड रिटेन एप्लीकेशन रिज्यूम एंड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट 9/7/2023 को 10:30 बजे आपको उपस्थित होना पड़ेगा। आपका जो सैलरी रहेगा ICAC नॉर्मल का उसका रहेगा। कोई इंक्वायरी करना है तो फोन नंबर भी दिया गया है। अब दोस्तों ये वैकेंसी आपका लोहरदगा जिला की तरफ से निकल कर आई हुई है, जो कि उसलीन वोमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है। यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी ऑफिशियल वेबसाइट भी सारा डिटेल यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। अब हम लोग इसमें सारा डिटेल देखते हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका
एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टीचिंग स्टाफ बीएड यहाँ पर बोला गया है। इसी सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, फिजिकल साइंस केमिस्ट्री और फिजिक्स विथ मिनिमम 55% है तो अप्लाई कर सकते हैं, सोशल साइंस कॉमर्स विथ 55% है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, साइंस मैथमेटिक्स से किए हुए हैं 55% तो अप्लाई कर सकते हैं, बीएड डिग्री मिनिमम 55% है तो अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर नेट यहाँ पर रिक्वायरमेंट बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि पीएचडी डिग्री एजुकेशनल इन द डिसिप्लिन रिलेवेंट टू द एरिया स्पेशलाइजेशन विथ एमएड यहाँ पर बोला गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है बायोडाटा जेरोस्कोपी के साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ आपको यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं, द प्रिंसिपल ओस्लिन वोमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज वहादगा पोस्ट ऑफिस एंड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पिन कोड यहाँ पर 83 53 02 फोन नंबर भी यहाँ दिया गया है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 15/7/23 सैटरडे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है आपका विल बी कंप्लीट ईमेल के माध्यम से आपको सूचना दिया जाएगा। टाइम आपका 10 AM रहेगा, वेन्यू आपका कॉलेज ऑफिस रहेगा। वोमेन कैंडिडेट को यहाँ पर प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लीज कम विथ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको उपस्थित होना पड़ेगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि किसी तरह से कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।